हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अगर पहली बार विजिट किया है हमारे इस चैनल पे तो बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि इस और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो शेयर बाज़ार से रिलेटेड नॉलेज और आपको मिलती रहे। और मैंने एक वीडियो डाली है एक शेयर से रिलेटेड, ओके, कि वो शेयर अडानी ग्रीन की तरह इस तरीके से बढ़ सकता है क्या, वो मल्टीबैगर बन सकता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको एक न्यू शेयर से फंडामेंटल्स भी जानने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ओके, तो उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा ताकि आपको ये वीडियो में आपको शायद अच्छे खासे रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिले। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं लास्ट तक तो हम फैक्ट्स रखेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। तो आइए सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं उस शेयर को बताने की मेरे आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है, ओके, उसका ज्ञान उस वीडियो के बारे में उस शेयर मतलब लिस्टिंग गेन में ही आपको 109 पता ही नहीं 120% के रिटर्न्स आपको लिस्टिंग गेन में मिल गए थे। और बहुत बेहतरीन कंपनी है और इनका जो मैनेजिंग मैनेज जो इनका मैनेज जो मैनेजमेंट है इनका, वो मैनेजमेंट काफ़ी बेहतरीन मैनेजमेंट है, क्योंकि जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है, ओके, जो इस कंपनी को मैनेज करते हैं वो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर चुके हैं और मैनी ईयर्स का उन्हें एक्सपीरियंस है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैं शेयर की बातें कर रहा हूँ, उस शेयर का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। आई डोंट थिंक सो इसको कंपनी को किसी पहचान की ज़रूरत है, क्योंकि जिस की ये कंपनी है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो देखिए नेगेटिव में रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, 5 डेज का भी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो नेगेटिव दिखेगा, 1 मंथ का भी नेगेटिव दिखेगा, 6 मंथ को भी नेगेटिव दिखेगा। मैक्सिमम की बात कर ले तो कंपनी अभी रजिस्टर्ड हुई है, ओके, तो तब से ये कंपनी गिरती नज़र आ रही है, ओके, बट हमें ये अपॉर्चुनिटी है। अगर कंपनी गिर रही है, कोई शेयर गिर रहा है और अच्छी कंपनी का शेयर गिर रहा है, और वो भी तब जब अच्छा प्रॉफिट आपको दे रहा है, जब अच्छा ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस अगर अच्छा रिजल्ट पेश कर रहा है और फिर भी गिर रहा है, तो आपको वो शेयर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी इतनी मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाली है कि आप पूछ ही नहीं सकते, जान नहीं सकते। तो देखिए 52 वीक लो की बात की जाए 307 रुपये था, 52 वीक हाई की बात की जाए 394, मतलब 400 रुपये के आसपास था, और अभी 318 रुपये मिल रहा है, और लगभग डबल का रिटर्न्स अभी भी शायद मेरे को लगता है कि लिस्टिंग गेन में इसे मिला है। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं 52 वीक हाई की, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और डिलीवरीज की बातें करते हैं तो डिलीवरीज देखिए लगभग 61.06% की डिलीवरीज उठाई गई है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कंपनी आगे चल के क्या बनने वाली है। इन लोगों को पता है जो डिलीवरी बेस पर उठा रहे हैं इसे, क्योंकि अगर ये 10 से 15 ईयर्स के लिए इस कंपनी को रख सकते हैं, और आप अगर 50,000 से 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये कंपनी आपको करोड़पति से कम बना के देगी। इस तरीके का मुझे ये बिलीव आता है। क्यों आता है, इसके पीछे रीज़न है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ओके। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, ओके, 53.25% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, बाकी 46.75 पब्लिक के पास है, ओके, कोई भी शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं पूरी की पूरी इसकी गणित, ओके। देखिए मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, 4750 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैपिटल है। पी इसका 56.3 है, जो काफ़ी ज़्यादा है, बट अच्छे शेयर आपको हमेशा हाई पी पे मिलेंगे। और बुक वैल्यू की बात की जाए 31.6 है, आरओसी की बात की जाए 27.2 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 85.3 है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बेहतरीन इसका आपको आरओई दिखाई दे रहा है। कंपनी देखिए अपना अच्छी बात यह है, कंपनी अपना डेट कम कर रही है, ओके, और 3 ईयर से रिटर्न ऑन इक्विटी कितना दे रही है, 26.63%, ओके। लगभग HDFC बैंक भी 22 अभी भी 20-25% देती है, और उसने भी अपने शेयर होल्डर को मल्टी बैगर बनाया। तो इस कंपनी ये भी आपको आगे चल के इस तरीके का परफॉर्मेंस आपको करोड़पति बना सकती है। ये तो हो गई बात, अगर कॉन्स की भी बात कर लेते हैं तो कॉन्स हमें टैक्स रेट सीम्स लो, ओके, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, जो मैंने आपको बता दिया, बुक वैल्यू से इतना ज़्यादा चल रहा है 10 टाइम्स, दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेडली प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी देखिए अभी आई है, डिविडेंड कहाँ से दे देगी, जल्दी आपको डिविडेंड देती हुई भी नज़र आएगी धीरे धीरे। ये सब काम धीरे धीरे होते हैं, तो डिविडेंड के चक्कर में हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें परफॉर्मेंस के चक्कर में पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि ये 300 का शेयर 400, 500, 1000, 1500
पर 2000 कैसे होगा, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो सेल्स की बात की जाए तो देखिए 2019 में सेल्स 175 करोड़ रुपीज़ के थे, ओके जून में 177 थे और अभी देखिए 183 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर सेल्स है। एक्सपेंस की बात की जाए तो एक्सपेंस इन्होंने कम कर दिया जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एक्सपेंस कम होंगे तो प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा 139। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो लगभग 34 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। ईपीएस की बात की जाए 2.32 का इसके यहाँ पर ईपीएस दिखाई दे रहा है, ओके सेल्स यहाँ पर देख लीजिए 698 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर सेल्स, 599 का यहाँ पर एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, तो लगभग अगर 3 साल की बात की जाए 3 साल से कंपाउंड ग्रोथ कितना है 174%, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर इस तरीके से ही ग्रोथ आपको रहा, कंपाउंड प्रॉफिट इस तरीके से हमारा बढ़ता रहा, तो कंपनी हमें 5 से 10 साल में करोड़पति बना देगी अगर हम थोड़ा बहुत पैसा इस कंपनी में लगा देते हैं। अब यहाँ पर बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं, तो देखिए रिजर्व्स, देखिए रिजर्व्स कंटिन्यूसली 2016 से देखिए 84 से लेके अभी कितना लगभग 436 करोड़ रुपए के तो यहाँ पर रिजर्व्स हो गए, जो कि काफ़ी बेहतरीन बात है। और बोरोइंग की बात की जाए, जहाँ पर बोरोइंग 2019 में 384 करोड़ रुपीज़ थी, 2020 में देखिए मार्च में 114 करोड़ रुपये रह गई, और अभी सेप्टेम्बर में जो अभी इसको ये जो क्वार्टर चल रहा है और कम करके कितना रह गया 80 करोड़। मतलब बोरोइंग कम करती जा रही है, रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, कैश फ्लो भी इनका अच्छा खासा है। तो देखिए बोरोइंग कम हो रही है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, रिटर्न्स आपको अच्छे मिल रहे हैं, पी रेशो जरूर ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी खासी है, CAGR अच्छा है, तो ये कंपनी आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर बनाएगी ही बनाएगी, ओके। एंड प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, प्रमोटर्स की होल्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं किन की ये कंपनी है। देखिए कंपनी है अशोक सूता जी की, तो अशोक सूता जी है कौन, देखिए विप्रो में काफ़ी साल उन्होंने काम किया है, विप्रो आज देखिए कहाँ से कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली कंपनी विप्रो ही है। एज वेल एज इन्होंने एक कंपनी के को फाउंडर रहे हैं माइंडट्री के, वो कंपनी आज देख लीजिए कहाँ से कहाँ है, उन्होंने उसने भी मल्टी बैगर रिटर्न्स प्लस में उसको भी हम कंपैरिजन अभी करने वाले हैं। तो अशोक सूता जी आपको देखिए 30 साल इस इंडस्ट्री में ये काम करते हुए हो गए, तो इन्हीं के नाम से, इन्हीं की नाम की वजह से ये कंपनी ने ये जो लिस्ट हुई थी 100% से ज़्यादा लिस्ट होती हुई नज़र आई थी। देखिए ये को फाउंडर भी थे इस कंपनी के, तो ये 163 का शेयर लगभग 1318 रुपये पे अभी चल रहा है, प्लस में 2-3 बार आई थिंक इसने बोनस भी दिया है कंपनी ने। तो अगर हम इससे भी कंपेरिजन करें तो ये कंपनी हमें हैप्पीएस्ट माइंड आने वाले कुछ सालों में, ओके अगर हमने 10-15-20 साल से रख लिए तो हमें अच्छे खासे बेहतरीन रिजल्ट्स, ओके बेहतरीन रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न मिलने ही मिलने हैं। तो मैं तो इस शेयर को लेके काफ़ी बुलिश हूँ, ओके आप कभी अगर इन्वेस्ट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए कंपनी काम क्या करती है, कंपनी आईटी कंपनी से रिलेटेड है, ओके तो सारा का सारा काम इनका डिजिटली काम होता है, आईटी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम होता है, और नैसडैक वगैरह में भी कंपनी किस क्लाउड से रिलेटेड काम करती है। देखिए डिजिटल बिजनेस प्रोवाइडर है, ओके प्रोड्यूस इंजीनियर इंजीनियरिंग सर्विस है, एजाइल इंफ्रास्क्योरिटी सर्विस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर्विस है, एनालिटिकल है, रोबोट प्रोसेस से भी रिलेटेड काम करती है, क्लाउड से रिलेटेड भी। देखिए यहाँ पर देखिए ये फॉर नैसडैक लिस्टेड क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ओके जो नैसडैक में जो कंपनी लिस्टेड है ना उसे भी क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, यूएस फैशन रिटेलर। तो इनका मोस्टली जो सारा का सारा 75% आई थिंक इनका जो बिजनेस है वो यूएस से इनकी आती है। तो यूएस से देखिए डॉलर बढ़ा, तो डॉलर अगर हमें दिखते ही है, हमें डॉलर का पहले 40 रुपये था, 50 रुपये था, आज 73-74 रुपये है, तो ये डॉलर भर तो बढ़ता ही रहता है, डॉलर बढ़ता है तो इनकी जो इनकम में जो और 4 चांद लग जाते हैं और इन्हें प्रॉफिट और ज़्यादा होता हुआ नज़र आता है। तो कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट यूएस से ही आता है और दूसरी कंट्रीज से आता है, इंडिया से इनका बिजनेस थोड़ा कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम इसमें 50,000-1 लाख रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो करोड़पति हम 10 से 15 साल में इस शेयर में बन सकते हैं, अगर हम इसे पकड़ के चलते हैं। और हर एक गिरावट पे हम अगर इसे खरीदते हैं तो हमें अच्छी, हमें लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें एवरेज करके अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करती देती है। तो अगर हम एक दो शेयर भी लेते हैं तो आप एक तो पहले बात तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कन्फर्म कर लीजिएगा, एज वेल एज मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं तो इसमें बुलिश हूँ ही।
तो बाकी आप अपनी खुद की भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिएगा, इस कंपनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, इसकी बैलेंस शीट और एक दो क्वार्टर और रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो रिजल्ट्स देख लीजिएगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, अच्छी खासी हमें जंप नज़र आती है, तो मुझे लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आने वाले टाइम में ये अच्छा खासा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ओके, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को, जो कि आपका खुद का चैनल है, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हम इस बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस।